इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक से है, जहां सीएम येदुरप्पा जो कि 25वें मुख्यमंत्री पद की शपथ तो पहले ही ले चुके थे, लेकिन आज उन्होंने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है, यानी कि विश्वास मत हासिल कर लिया है। और ये विश्वास मत जो हासिल किया गया ध्वनि मत से ही से पारित कर दिया गया, मत विभाजन की इसमें कोई बात नहीं आई है। तो कुल मिलाकर यहां समझा जा सकता है कि 25वें सीएम के रूप में एक बार फिर से येदुरप्पा मुख्यमंत्री तो पहले ही बन चुके थे, अब फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद मंत्रिमंडल में किनके चेहरे होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर ये भी है कि 17 में से 14 विधायक जो अयोग्य ठहराए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नाटक की 25वें सीएम के तौर पर एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट करने के बाद सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं सीएम येदुरप्पा। लंबे सियासी खमासान के बाद कर्नाटक की सत्ता बदल गई और येदुरप्पा सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी हासिल कर लिया। इस दौरान विपक्ष ने मत विभाजन की भी मांग नहीं की। सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कहा कि वो हर मिनट राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। इसी बीच स्पीकर रमेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं पद को छोड़ना चाहता हूं और जो डिप्टी स्पीकर हैं अभी वो इस पद को संभालेंगे। आपको बता दें कि 224 विधायकों वाली कर्नाटक विधानसभा में 17 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विधायकों की संख्या 207 रह गई थी। इसी वजह से बहुमत के लिए 104 का आंकड़ा पार करना था, जिसे बीजेपी सरकार ने पार कर लिया। बीजेपी के पास सदन में अब 105 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।